बात सारस की चली तो आपके और हमारे जहन में कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि किन पक्षियों और किन जानवरों को पाला जा सकता है, किन जानवरों को पालने पर आफत आ सकती है, क्या इसके लिए कोई कानून है, क्या शादी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हाथी या ऊंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, नियम क्या कहते हैं। आज हमने इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। हमने मध्य प्रदेश वन विभाग के उप वन संरक्षक रहे अखिलेश कुमार खरे जी से बात की। क्या सारस को पालने में हमारे देश में कोई पाबंदी है? जी हाँ, निश्चित रूप से सारस एक पक्षी है और ये पक्षी वन्य प्राणी की कैटेगरी में आता है। अब हम आपसे ये कहें कि वन्य प्राणी क्या है। वन्य प्राणी वो प्राणी है जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दर्ज है, अधिसूचित है। और सारस वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल में दर्ज है। तो ये कहा गया है कि ऐसे सभी वन्य प्राणी जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दर्ज हैं, उनका मारना, उनका पकड़ना, किसी भी रूप में पकड़ना, चाहे जाल से पकड़ना, चाहे फंदे से पकड़ना, चाहे कुत्तों द्वारा पकड़वाना, उनके अंडे नष्ट करना, इनके घोंसले नष्ट करना, इनको अपनी अभिरक्षा में कैद करना, ये सभी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। और इस अपराध में 3 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। सारस जैसे पक्षियों को जबरन पालने पर क्या सजा मिल सकती है? लोग बाग पक्षियों को अपने घर में पालते हैं, तोता पालते हैं, तोता भी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल में लिस्टेड है, सारस लिस्टेड है। सारस से मिलते सारस क्रेन है, एक क्रेन से मिलते मिलते कई प्रकार के क्रेन होते हैं, कई प्रकार के स्टॉर्क्स होते हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो लोकल भी हैं और प्रवासी भी हैं। ऐसे सारे पक्षियों को हम अकेली पालने की नहीं कह रहे हैं। यदि हमको कहीं से ये बीमार या घायल अवस्था में मिलता है तो हम उसको अपनी अभिरक्षा में लेते हैं, लेकिन हम उसको 48 आवर्स से अधिक समय तक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकते हैं। हमें उसको प्राधिकृत अधिकारी या निकटस्थ थाने में 48 घंटे के अंदर सूचित करना आवश्यक है। हम तो उनके अंडे भी उनके घोंसले से नहीं हटा सकते हैं, उनके घोंसलों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार हमको नहीं है। इन सब के लिए निश्चित रूप से हमारे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में सजा का प्रावधान है, जो हमने पहले ही कहा कि चूंकि ये शेड्यूल 3 का एनिमल है, शेड्यूल 3 या 4 का एनिमल है, तो इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या किसी जंगली जानवर को पाला जा सकता है? जब आपने जंगली जानवर शब्द का प्रयोग किया तो वो अपने आप में स्पष्ट है। जंगली मतलब वन, वन्य प्राणी। कोई भी वन्य प्राणी ऐसा नहीं है जिसको आप पाल सकते हैं। पालना मतलब अपनी अभिरक्षा में रखना, अपने कब्जे में रखना, और किसी भी वन्य प्राणी को अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता है। आमतौर पर लोग बाग पालने की स्थिति जब आती तो मृग, हिरण और खरगोश पालते हैं। तो खरगोश जो लोग बाग पालते हैं सफेद रंग का, वो वन्य प्राणी नहीं है, वन्य प्राणी है उसी से मिलता जुलता वन का खरहा, जिसको हेयर बोलते हैं। और हम लोग पालते हैं रैबिट को, तो आमतौर पर रैबिट को लोग बाग पालते हैं, रैबिट वन्य प्राणी नहीं है। और किसी भी प्रकार के हिरण और मृग जिनको आम लोग पालते हैं, वो पालना पूर्णतः अपराध है। चिड़ियाघर में किसी पक्षी या जानवर को कब भेजा जाता है? देखिए, चिड़ियाघर का प्रबंधन और चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों का रखना एक गाइडलाइन है उसकी, और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का धारा है 38 उससे संबंधित है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली इसकी अनुमति देता है। प्रत्येक चिड़ियाघर का एक मैनेजमेंट प्लान होता है और एनिमल कलेक्शन प्लान होता है। इसके अंतर्गत वो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न दूसरे चिड़ियाघरों से ही वन्य प्राणी लाकर रखता है। कोई भी चिड़ियाघर अपने यहाँ वन्य प्राणी वन से लाके सीधे नहीं रख सकता है। चिड़ियाघर में एक विंग होती है पृथक से, रेस्क्यू की विंग। रेस्क्यू में
घायल वन्य प्राणी, बीमार वन्य प्राणी को लाकर रखा जाता है उपचार होने तक के लिए। उपचार होने के बाद यदि वो वन्य प्राणी प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक क्षेत्र में मुक्त करने लायक हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसको प्राकृतिक अवस्था में, उसके नेचुरल हैबिटेट में मुक्त करना पड़ेगा। और यदि वो इस लायक नहीं है तो उसको चिड़ियाघर में रखने की फिर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अनुमति जारी करेगा। और वन्य जू के समस्त वन्य प्राणी का रखना, उनका एक जू से दूसरी जू में ट्रांसफर करना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों पर या उनकी गाइडलाइन के अनुरूप। हाथी जैसे जानवरों का भी कार्यक्रमों में इस्तेमाल होता है, इस पर नियम क्या कहते हैं? इसमें जहां तक ऊंट का प्रश्न है, ऊंट वन्य प्राणी की कैटेगरी में नहीं आता है। हाथी अलबत्ता वन्य है, वन्य प्राणी की कैटेगरी में है, लेकिन हाथी दो प्रकार के हैं। एक वो हाथी जो वनों में है तो वो वन्य प्राणी है, एक दूसरे हाथी जो बहुत लंबे समय से आम जनता के बीच में पालतू के रूप में रह रहे हैं। ऐसे सभी हाथियों का गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है और उनको चिप लगा के, कान के पीछे उन्हें चिप लगा के दी है, वो सब आइडेंटिफाई हैं और उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र विभिन्न संस्थाओं, मंदिरों या निजी व्यक्तियों के पास है। ऐसे स्वामित्व वाले हाथी जो पालतू हैं, जो निजी हैं, इनका उपयोग विभिन्न फंक्शनों में, आयोजनों में किया जाता है। लेकिन वन्य जीव, जो वन्य प्राणी है, जो वनों के हाथी हैं, प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले, उनका उपयोग ऐसी किसी भी जगह पे नहीं किया जाता है। तो किन पक्षियों को घर में पाला जा सकता है, क्या प्रतिबंधित है, हमने सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विपिन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।